नमस्ते फ्रेंड्स, कद्दू की बहुत सारी रेसिपीज़ होती है, कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू के पराठे, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू की पूरियाँ। कद्दू लाने के बाद उसको अच्छे से धोकर उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है ताकि हम पूरी के आटे में उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। मेरे यहाँ पे मेरी बची हुई सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है। सेम अगर आपकी भी कद्दू की सब्ज़ी अगर कभी बच जाती हो तो आप ये सेकंड रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। लेकिन अगर आपके पास सब्ज़ी ना हो तो आप फ्रेश कद्दू लाके उसको भी ग्रेट करके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। मैंने 1 कप कद्दू की सब्ज़ी के लिए 2 कप आटा लिया है। उस आटे में आपको 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून तिल, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। हमें कद्दू की मसाला पूरी बनानी है, इसीलिए हमने इतने सारे मसाले यहाँ पे यूज़ किए हैं। अगर आपका ग्रेटेड कद्दू है तो आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी थोड़ी सी स्पाइसी है इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप अगर ग्रेटेड कद्दू लेते हो तो आप वैसे तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है और लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आपको तेल की मात्रा अच्छी लेनी है ताकि हमारी जो पूरिया है उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा सॉफ्ट आता है। इस तरह से आपको सबसे पहले तेल में और इस सब्ज़ी में पूरा आटा गूंथ लेना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पानी ऐड करेंगे तो पानी कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप जितना भी ग्रेटेड कद्दू हो या फिर सब्ज़ी हो उसमें पहले सबसे आटा गूंद लो, उसके बाद ही पानी से आटा गूंद लो। उसके बाद आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद देखो हमारा आटा कितना अच्छे से तैयार हो गया है। अब बनाते हैं हम मसाले पूरियाँ। सबसे पहले मैंने चकले और बेलन को थोड़ा सा तेल लगा लिया है और आटा फिर से एक बार मसल लिया है। कद्दू की सब्ज़ी है इसलिए वो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती है, और अगर आप ग्रेटेड कद्दू यूज़ करते हो तो उसका आपको पूरा दबा कर पानी निकाल लेना है और उसके बाद ही उसको आटे में यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी ली है जो मैंने डायरेक्ट आटे में यूज़ की है। पूरियाँ हमें डायरेक्ट बेलते हुए ही फ्राई करनी है, इसीलिए मैंने उसके लोइयाँ बना ली है। आप पूरी के साइज़ के हिसाब से लोइयाँ बना लीजिए। अब हम पूरी को बेलेंगे। पूरी को बेलने के लिए मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपने ग्रेटेड कद्दू यूज़ किया तो शायद उसको पानी छूट सकता है, तो आप तेल की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बेलने के लिए वो बेलन और चकले को ना चिपके, इसलिए आप वहाँ पे आटे का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आटा नॉर्मल हुआ तो आप ऐसे ही तेल लगा के पूरियाँ बेल लेना। इस तरह से पूरी बेलने के बाद हमें डायरेक्ट कढ़े में इसे फ्राई कर लेना है। मैंने पहले से एक कढ़े में तेल डाल के उसे गर्म कर लिया है। अब हमें फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और उसमें पूरियाँ तल लेनी है। वैसे ही अगर हम मसाला पूरी बनाते हैं तो वो कितनी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन ये कद्दू की मसाला पूरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसीलिए आप जब भी घर पे कद्दू लाओगे तो एक बार ये मसाला कद्दू पूरी ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी रहती है। हाँ, फ्राइड है, लेकिन कद्दू की सब्ज़ी अगर कभी बच जाए तो आप उसका सेकेंड यूज़ ऐसा कर सकते हो। इस तरह से दोनों साइड से ऊपर तेल छिड़क के आपको पूरी को तल लेना है। इस तरह से मैंने सारी पूरियाँ तल ली है और देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर मसाला पूरी लग रही है। कभी आप ट्रैवल करते हो तब भी आप ऐसे पूरियाँ बना के इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही न्यू इनोवेटिव रेसिपी मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू।